कि क्या सिंदूर व्रत आदि से पति की आयु लंबी होती है, या फिर जितनी लिखी है उतनी है, तो फिर सिंदूर और व्रत की जरूरत क्या है? बहुत खूबसूरत प्रश्न है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सिंदूर का दर्शन क्या है पहले इसे समझें। सिंदूरी रंग या लाल रंग आदि इत्यादि जब हम अपने आज्ञा चक्र पर या इस जगह पर माथे पर लगाते हैं, यहां पिंगला नाड़ी होती है एक, इस जगह पर उसको चार्ज करने के लिए लाल रंग की जरूरत होती है। वो लाल रंग से अतिरिक्त चार्ज होती है और वो मजबूत होती है। कहने का तात्पर्य है कि उसे जितना आप लाल रंग देंगे वो उतनी ही चार्ज होगी, बली होगी और आपके लिए अच्छी होगी। और यहीं पर हमारा आज्ञा चक्र है, यहीं पर हमारा वैचारिक दर्शन है, सब कुछ यहीं से होता है। तो ये जितना एनर्जाइट होगा, ये जितनी एनर्जी से भरा होगा हमारे लिए उतना अच्छा है। व्रत रखने से क्या पति की आयु बढ़ेगी? देखिए, व्रत आप रखेंगे आयु उनकी कैसे बढ़ जाएगी, ये विचार कई लोगों में आता है। लेकिन व्रत है क्या पहले इसे समझें। व्रत मतलब संकल्प, व्रत मतलब एक दृढ़ संकल्प जिसे आप निभा रहे हैं पूरी युति से। मनसा वाचा कर्मणा, मन कर्म वचन से जो आप संकल्प ले रहे हैं उस संकल्प की विधि स्थिति को व्रत कहते हैं। पहली चीज, अब आप कहें कि हमने व्रत रखा है और आप निरंतर तेल मसाले या अन्य चीजों का सेवन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपने कहा मेरा व्रत है, तो क्षमा कीजिए, वो ऊर्जा जो व्रत संकल्प से बनती है निराहार रहकर या फलाहार रहकर, वो कभी भी अन्य चीजों से नहीं बन सकती। जब व्रत रखा जाता है तो फलाहार की चर्चा इसलिए है क्योंकि फल टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। आप जितने प्यूरिफाई होंगे, आपकी बॉडी जितनी प्यूरिफाई होगी वैसे आपका मन होगा, सारी चीज़ें उतनी प्रबल होंगी। और ऐसी स्थिति में जब आप कोई विचार करेंगे तो विचार प्रबल होगा, ध्यान रखना। सो व्रत संकल्प आदि इत्यादि आप इसको छोटा तप समझ सकते हैं, और तप में बड़ी शक्ति होती है। जब हम किसी भी विषय पर पूरी एकाग्रता के साथ विचार करते हैं तो प्रकृति हमें वो प्रदान करती है। निश्चित जिसकी जितनी आयु लिखी है आयु उतनी ही होगी, लेकिन ये ध्यान रखना कि संकल्प में व्रत में बड़ी शक्ति होती है, कई बार वो विधाता के नियमों को भी बदल देती है, और ऐसे उदाहरण हैं। आपके अंदर इतनी संकल्प शक्ति एकत्र हो जाए कि आप जो चाहें, आप जो बोले वो होने लगे, क्या ऐसे लोग पृथ्वी पर नहीं हैं? व्रत का दर्शन वही है कि आप अपनी ऊर्जा को व्रत के माध्यम से सारे दिन एकाग्रित करें, एकत्रित करें, और उस ऊर्जा के माध्यम से फिर आप जो चाहते हैं उस ऊर्जा को उस दिशा में आप प्रवाहित कर दें। लेकिन अपर्णा जायसवाल के इस प्रश्न से मैं यहां पर दूसरी बात कहता हूं कि 99% लोग व्रत व्रत के तरीके से करते ही नहीं है, तो परिणाम कहां से आएगा? आप व्रत को व्रत के तरीके से कर ही नहीं रहे तो परिणाम नहीं आएगा। अब जैसे व्रत में अगर आप नमक ले लेते हैं तो व्रत 50% हो जाता है, समझना मेरी बात को। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको हमारा जो दर्शन है उसे बता रहा हूं।
तो जिस व्रत में आप नमक ले लेते हैं वो व्रत 50% रिजल्ट देता है। तो जब कोई कार्य 50% हो रहा है तो 100% उसके परिणाम तो होंगे नहीं, ये तो संभव ही नहीं है कि उसके परिणाम 100% आ जाए। दूसरी बात, चलो अगर आप नमक नहीं ले रहे हैं तो आप सारे दिन कुछ ना कुछ ले रहे हैं, यू नीड, आपको जरूरत है कि आपका आप कम से कम लें, और उस दिन आप अपने आप को साधना में रखें। व्रत संकल्प का दर्शन यह है, ना कि अपने आप को रसोई में रखें कुछ ना कुछ बनाने में कि आज व्रत है। तो हमने असल में व्रत की जो स्थिति कर दी है वो दयनीय है। भीष्म ने व्रत लिया कि मैं विवाह नहीं करूंगा और ऐसा ऐसा करूंगा, वो व्रत सिद्ध हुआ। भीष्म के पिता ने भीष्म के कार्य को देखकर भीष्म को आशीर्वाद दिया कि मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि जब तक तू नहीं चाहेगा तेरी मृत्यु तेरे निकट नहीं आएगी। ये क्या था? ये व्रत का संकल्प था। उन्होंने एनर्जी इकट्ठी कर रखी थी और जो उन्होंने बोला वो हो गया। आज भी सनातन में कई ऐसे संत मिल जाएंगे, कई ऐसे दिव्य पुरुष मिल जाएंगे जो जो बोल देते हैं वो हो जाता है। कैसे हो जाता है? वे निरंतर व्रत में हैं, वे निरंतर व्रत में हैं, वे निरंतर निरंतर नियम में हैं, वे निरंतर संयम में हैं। They are in regular form. That is what they are giving the results. इसलिए उनके पास परिणाम है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, अरे ये क्या होता है भगवान, ये थोड़ी चाहता है कि तुम भूखे रहो। भगवान ये कब कह रहा है कि तुम भूखे रहो? भगवान ने कब कहा? अगर ऐसे ही होता तो भगवान इतना सारे भोजन अन्न इतनी सारी उगाने की जगह हमें क्यों देता भाई? भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम भूखे रहो, भगवान ने तुम्हें तैयार कर दिया है, अब तुम भूखे रहो या खाका के मरो ये तुम्हारी चॉइस है, दिस इज योर चॉइस। लेकिन हाँ, इतना तो आज आप भी जान गए कि जो लोग ज्यादा खाते हैं उनके शरीर जल्दी समाप्त होता है, जल्दी बीमारियों से ग्रसित होता है। जो कम खाते हैं, योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपने शरीर को फिट एंड फाइन रखते हैं, उनकी आयु और सारी चीजें बेटर होती हैं। तो जब कम खाने से इतना अच्छा हो सकता है तो कम से कम खाने से आप में ऊर्जा ज्यादा होती है। हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते तो लोग व्रत रखना शुरू करेंगे। तो व्रत मींस कम खा के जो खाया है उससे ज्यादा एनर्जी बूस्ट करना और अपने आप को अपनी ऊर्जा को संग्रहित करके लाना, डिजाइन करना और फिर उसका सदुपयोग करना। फिर चाहे आप किसी की आयु के लिए दुआ करें, दुआओं में बड़ी ताकत होती है। तो दुआ किसकी दुआ में ताकत होगी? जिसकी दुआ की एनर्जी पावरफुल होगी। पावरफुल कैसे होगी? व्रत से, संकल्प से, आदि इत्यादि से। एंड देन सिंदूर। सिंदूर का दर्शन क्या है? वो इस पूरे एरिए को लालिमा चाहिए। हम लोग भी लाल चंदन, लाल टीका लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि एक्टिवेशन रहे, ये जो क्षेत्र है ये ज्यादा ऊर्जावान रहे, और ये जितना ऊर्जावान रहेगा आपके लिए उतना आनंद होगा। इसलिए दोनों चीजें आवश्यक हैं। ऐसे ही ऋषियों ने बात नहीं कही है, हमारे यहाँ पूरा हर चीज का विज्ञान है, सनातन विज्ञान से भरा पड़ा है। वनस्पति की आप उसे समझें, आप उसे जानें और अपने जीवन का कल्याण करें।